हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इस समय अगर विजिट वीज़ा में हमको आना है बट विजिट वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन से वीज़ा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी बहुत लोगों ने पूछा है, तो दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, पर्टिकुलर कोई वीज़ा को ना अपग्रेड करना होता है या ज़्यादा आगे लाना होता है तो ये एक पॉलिसी है कि अदर वीज़ा में रिजेक्शन बढ़ा दो, अप्लाई मत होने दो, अप्रूवल मत आने दो, ताकि एक और जो वीज़ा नया मार्केट में आया है उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लें। बात समझ आ गई होगी आप लोगों को कि 5 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा को रिसेंटली बहुत बूम से चालू किया गया है, लोगों को इंसिस्ट किया जा रहा है कि इसको यूज़ किया जाए 5 ईयर्स के लिए। और ये जो वीज़ा है ना, आप नॉर्मल 30 डेज का 60 डेज का विजिट वीज़ा अप्लाई कीजिए, आपका रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन ये जो वीज़ा है 5 साल का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, ये वीज़ा बड़ी इजीली निकल रहा है। आप बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, कहीं के भी हैं, आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, खुद से अप्लाई कर सकते हैं या एजेंट से भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपका पासपोर्ट जो कि एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड हो, और आपका फोटोग्राफ चाहिए होता है। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए जिससे आपका अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद भी आपको जो देना होता है वो बैंक स्टेटमेंट देना होता है। आपके जो बैंक में है उसमें जो अमाउंट है वो प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। अलग अलग नेशनलिटी का अलग अलग अमाउंट है, आप चेक कर सकते हैं आपके नेशनलिटी का क्या अमाउंट है, उस हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो ये लगभग US डॉलर 1000 या 2000 US डॉलर के हिसाब से होता है कि इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, वो स्टेटमेंट आपको देना होगा। इसके बाद जो देना होता है वो होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। यहाँ पे जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं ये इमिग्रेशन वाले को देना होता है। इमिग्रेशन वाले इसको अपने पास रखते हैं, जब भी आप वीज़ा जो है कैंसिल करेंगे या एग्जिट करेंगे, 5 साल आपका पूरा होगा तब ये पैसा आपको इमिग्रेशन वापस कर देती है। बीच में अगर आप कैंसिल कर देते हैं वीज़ा तो बीच में ही आपको वापस कर देगी। तो ये जो अमाउंट है ये लगभग 3000 दिरहम का रखा गया है। 3000 दिरहम आपको यूएई इमिग्रेशन को जमा करना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप कितने दिन तक रह सकते हैं यहाँ पे? तो आप 3 महीने लगातार रह सकते हैं यहाँ पे, और 1 महीना आप एक्सटेंड कर सकते हैं इसको। तो एक्सटेंशन का चार्ज आपको अलग से देना होगा, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जिट करना होगा। तो साल में ऐसे आप अप टू 180 डेज 1 साल में आप लोग रह सकते हैं, एक्सटेंशन करवा के या एग्जिट करके, जैसा भी हो आप 180 डेज तक इस वीज़ा में 1 साल तक रह सकते हैं। 1 साल आपने यूज़ किया, 2 साल किया, 3rd साल आपको लगा कि नहीं मुझे कैंसिल करना है, अपना जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस लेना है, तो आप बीच में इसको कैंसिल कर सकते हैं। यूएई इमिग्रेशन से आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको वापस मिल जाएगा। तो बहुत ईजिली ये वीज़ा आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी नेशनलिटी के हैं और आपको ये सारी चीज़ें अलाउड हैं कि आप 5 साल का वीज़ा ले सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा, तो आप इसको ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज़, कि आप एज ए टूरिस्ट आना चाहते हैं, बिजनेस के लिए आना चाहते हैं या मीटिंग्स के लिए आना चाहते हैं, तो ये बड़ा यूज़फुल वीज़ा है। हालांकि जो जॉब सीकर्स होते हैं उनके लिए 1 महीना 2 महीने वाला वीज़ा ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन आप इसको भी ऑप्शन में रख सकते हैं। देख सकते हैं कि आपका काम क्या है, उस हिसाब से आप लोग वीज़ा चॉइस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।